देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में टू इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से हमें एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 8x-9y इज इक्वल टू 6xy। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 10x+6y इज इक्वल टू 19x(y), ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बोथ ऑफ साइड डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 8/y-9x इज इक्वल टू 6। इसमें भी हम बोथ ऑफ साइड से वो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 10x है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 10x है तो यहाँ पे भी 10x ही आएगा। अब एक्स वाई से दोनों तरफ इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10/y+6/x इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/x है इसको हम मान लेते हैं ए, एंड 1/y है इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, 8 1/y क्या है बी, तो 8b-9a इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10b+6a इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 2 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8/3b-3a इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5b+3a, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 19/2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो देखो -3a + 3a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 8/3b+5b इज इक्वल टू 2+19/2, ठीक है यहाँ तक। अब इधर क्या करते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा इधर, 15+8 यानी कि 23b/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा 4, 22, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 23/2, 23 से 23 कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू आ गया 3/2, b इज इक्वल टू 3/2 आ गया। ये b की वैल्यू यदि हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, मान लो इसमें कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, 5 × 3/2+3a इज इक्वल टू 19/2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, 15+6a/2 इज इक्वल टू 19/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 19-15 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, a की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3। अब देखो 1/y इज इक्वल टू क्या है, b, और ये क्या है 3/2, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/3, तो y की वैल्यू तो आ गई 2/3, एंड x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, a क्या है 1/x और a इज इक्वल टू 2/3, तो x की वैल्यू a का रेसिप्रोकल होगा यानी कि 3/2, तो x एंड y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड 2/3, ओके इजी।